मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। आज मेरे साथ कैलासम सर हैं। कैलासम सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में, केबल टीवी में, और आज नई कंपनी के साथ फिर वो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं बेंगलोर में। उस कंपनी का डिटेल और उसकी थोड़ी सी जानकारी हम कैलासम सर से लेने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। No, our company name is Velvet Software, which is focusing both in MSO business and internet business. आज का दिन में ट्रेंड क्या हो गया? पहले का जमाना था एक ब्रॉडकास्टर और MSO और ऑपरेटर, ये थ्री लेयर्स में काम चल रहा था। जब से ये DTH प्लेयर्स जो लोग आया है, ऑपरेटर्स के थोड़ा थोड़ा हिट हो गया था और MSO का भी थोड़ा हिट हुआ। But the problem is now addressing the entire thing, we have to give in one gamut. The secret is internet. Aaj ka trend ye hai, internet, cable and value added services like your Netflix, Amazon, ye sab kuch, you know, ikatta dena chahiye. So we are focusing on this customer need, and Bangalore is the best market which we have experimented so many times. Bangalore is the best market for it. And it's value for money for the customers. So, उस वक्त की अब धीरे धीरे सारी केबल ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे, MSO सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर डीटीएच रहेगा। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ वापस आप लोग आ रहे हैं, इसका क्या मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री हिस्ट्री नहीं है। केबल इज ऑलवेज डायरेक्ट अटैचमेंट टू द कस्टमर। एक सेंटिमेंट होता है घर के अंदर खाली केबल आदमी जा सकता है, दैट इज द कस्टमर नीड। जो भी आप कॉल सेंटर के थ्रू बात करेगा, of course that will help, even we put a call center for it, that is the compliance part of it. But cable ka jo alag cheez hai, wo confidence level thoda, I mean you would have lost little bit, wo DTH ka penetration jyada aa raha tha, because DTH players wanted to enter and they wanted to see what product is like that. But dhire dhire cable operators ka usi time mein pata chal gaya tha, when it drains DTH will not come. पहले से भी डीटीएच का एक ग्रोथ उसके बाद नहीं था, बट किधर किधर केबल ऑपरेटर पहुंच नहीं सकता, देयर डीटीएच पीपल हैव पेनेट्रेटेड। अभी सिटी के अंदर पूरा का पूरा मे बी डीटीएच प्लेयर्स विल बी देयर, एंड देन व्हाट हैपन, डीटीएच प्लेयर्स बिकम अ सेकेंड हाउस, आई मीन बेडरूम का एक और केबल कनेक्शन हो गया। इट इज नॉट केबल ऑफ लास्ट, डीटीएच हैज ग्रोन, यस दे हैव कम इन एज अ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट कनेक्शन। Nobody has cut off DTH fully except for the multi-dwelling units, जो भी नया नया आया है उसके अंदर केबल आ गया है। तो मिस्ट्री तो यह था, अभी बहुत महंगा था DTH operations। एक कस्टमर को मिनिमम 500, 600, 800 तक देना पड़ता था उस जमाने में, विदाउट इवन वॉचिंग दोज चैनल्स। एंड ऑपरेटर्स यूज टू ऑलवेज चार्ज 200 रुपीज और 250 रुपीज मैक्सिमम एंड गिविंग मोर देन DTH चैनल्स एंड ऑल्सो लोकल एंटरटेनमेंट चैनल्स है। वो सब धीरे धीरे कस्टमर्स को पता चल गया ये सब दिखावट है, एंड इट हैज टू बी ओनली ऑपरेटर रूट इज ऑलवेज बेस्ट है। नो वंस द डिजिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, द ओनली एडवांटेज व्हाट यू आस्क्ड इज दैट उस टाइम एनालॉग का टाइम केबल और डीटीएच का ये डिफरेंस है, दैट वॉज डिजिटल। सो पीपल ऑलवेज वुड लाइक टू सी डिजिटल क्वालिटी वाइज इट इज बेटर। तो इससे डीटीएच का थोड़ा पेनेट्रेशन ज्यादा हो गया था, करेक्ट, एडवांटेज लिए। अभी सबका सब डिजिटल तो एक ही है, जीरो और वन। सो किसी और का डीटीएच का प्लेयर का आता है, मेरा सिग्नल आता है, इट इज डीटीएच डिजिटल इक्वल। नो, आप हमारा ये है, आज का दिन में कस्टमर का वैल्यू फॉर मनी इज इम्पोर्टेंट।
पहले ये था आई वॉज अ मैसेंजर फॉर द ब्रॉडकास्टर एंड आई वॉज अ कंडूइट फॉर द LCO. बट आज का दिन ये है वी अलॉन्ग विद द LCO वर्किंग टूवर्ड्स कस्टमर नीड. जो रिक्वायरमेंट है उनका इतना ही चैनल चाहिए, हमको कोई और चैनल बकवास नहीं चाहिए. तो वॉट एवर द चैनल्स विच क्लेम्ड IMTRP नंबर वन IMTRP नंबर टू प्रूफ ऑफ पुडिंग इज द नंबर्स विच स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. सो कस्टमर का डिमांड है तो कस्टमर इज द किंग ऑलवेज. हाँ हो चले नहीं, ये तो रेगुलेशन तो इज कॉमन फॉर एवरीबडी. आज का दिन में ये DTH सर्विस प्रोवाइडर और मी केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर ट्राई रेगुलेशन इज कॉमन फॉर एवरीबडी एल्स. वॉट एवर द प्राइस विच इज पब्लिश बाय द ब्रॉडकास्टर दैट्स कास्ट ऑफ द चैनल, उस प्राइस में कस्टमर को दे देंगे. हम उतना भी करेंगे, कस्टमर इज आवर लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर्स और हम ऐसा पैकेज बनाएंगे उनको अच्छा अच्छा चैनल प्रमोट करेंगे. इसमें क्या है, खाली पेज चैनल देने से कोई आवश्यकता नहीं है. सो हमारा फ्री टू एयर चैनल्स बहुत अच्छा चैनल्स है. सो वी आर प्लानिंग टू गिव दोज टू कस्टमर्स. कस्टमर का इच्छा है पे चैनल खरीदना है तो दे विल पे. वो उनका पता चला है इतना मेहनत से क्यों ये चैनल खरीदना है, देखते हैं एक दो महीने के क्या फर्क पड़ता है. इफ द टेस्ट सूट्स वेल देन इट इज दे अकस्टम टू दैट, अदरवाइज दे विल आस्क ओनली फॉर अ स्पेसिफिक चैनल. Then they have to, they are paying for it. Number of channels is higher compared to DTH channels. Because you have to have bandwidth problem. Now it's not analog, right? Yeah. Pura ka pura digital call diya. Yeah. So, you know, that TSA, that this transmission capacity, for one frequency we can release 10 digital channels. So, now it's more than 100 analog channels are open. Yeah. तो हम तो वी कैन गिव अप टू 500 600 आराम से दे सकते हैं. हाँ उनका ट्रांसपोंडर लगाना कैपेसिटी चाहिए उसका. सो इट इज नॉट वेरी इजी फॉर अस. वो नहीं दे सकते. कंज्यूमर ऑलवेज गेट बेनिफिट बिकॉज ऑफ केबल. तो ये तो अब ये बता देते हैं कि इसमें एक जमाने में 500 तक पहले मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ओवर हीट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो आप क्या कुछ अंडरग्राउंड यूज करेंगे ज्यादा? ओवर हेड का जहां जरूरत है उधर तो यूज करना पड़ता है. अप टू द मेन पॉइंट वी हैव टू यूज UG. उसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एक लोकेलिटी के अंदर पहुंच गया, उसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत बड़ा है हो जाए. हाँ केबल के थ्रू. हाँ दूसरी बात है कि जो नेक्स्ट है और जियो है, उस तरह से आप जियो इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट. दैट इज आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अपॉन दैट. नेटफ्लिक्स इज एन ऐड, देर ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स. लाइक वी आर ऑल्सो OTT प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर. हमको भी यही है, वी आर गोइंग टू लॉन्च OTT. वी हैव सेट अप एरिक्सन हेड एंड एंड अवर मॉडल इज गोइंग टू सपोर्ट OTT मॉडल. एंड OTT में क्या है, डायरेक्टली यू कैन गो टू द कस्टमर हुम सोवर इज हैविंग इंटरनेट. उसमें इंटरनेट फ्री मिलता है, ये अमेजॉन नेटफ्लिक्स पूरा उसके साथ ही आ जाता है. एंड इवन इन कार्स लाइक ऊबर और मीरू और जो भी आप गाड़ी में चलते हैं, OTT में वो लगा दिया तो जो भी चैनल्स है उसका कंटिन्यूसली दे सकता है. खाली उसका इंटरनेट वाईफाई ऐड करके उसका रखना पड़ता है, दैट्स इट. यस दिस इज अवर USP यूनिक सर्विस. नहीं धीरे धीरे विद इन 5-6 मंथ्स OTT भी स्टार्ट करेंगे. कंटेंट इज द सेम. सो हम प्लेटफॉर्म टू बिकॉज जिसको IP चाहिए वो OTT लेंगे और जिसको ब्रॉडबैंड एंड ये सेपरेट चाहिए वो केबल के थ्रू लेंगे. सो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर OTT इज टू हाई. आई कैन गेट ट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स. केबल ऑपरेटर्स का घर के थ्रू नहीं जाना चाहिए बिकॉज आई कैन गो टू द सो मेनी प्लेसेस वेर टैक्सी वाला रिक्शा वाला किसी का भी टीवी रखता है उधर आई कैन प्रोवाइड सर्विसेस. कैसे कंज्यूमर बस इंटरनेट होना चाहिए.
बिल्कुल बिल्कुल, एल सी ओ आर ऑल माई गुड फ्रेंड्स है, सो उनके साथ हमेशा मैं टच में था, टच में हूँ और टच में होगा. सो इसमें सवाल यह है, आजकल का ट्रेंड में उनका भी आज का नज़र ये है, भरोसा चाहिए. क्या है, कोई लेके मेरा रोटी में कुछ हाथ लगेगा तो ही विल बी लिटिल कंसर्न अबाउट इट. सो उसका दे नो दैट द पीपल हुम ही इज एसोसिएटिंग, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंशियली आई विल टेक दम विद मी फॉर एवर. वो हमारे पास जो भी आएगा बिल्कुल, हम लोकल है, करेक्ट, दिस इज अ गुड थिंग विच लाइक यू सेड, आप जो कहा है वो सच है, दैट इज द एडवांटेज वी विल हैव. जो भी है इमीडिएटली दे कैन वॉक इन टू माई ऑफिस एंड हमेशा वी आर अवेलेबल टू सपोर्ट देम. तो हम दोनों मिलकर भी काम कर सकता है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, बट विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी एल्स, हमारा जो शेयर है हमको, हमारा पास जो है, एवरीबडी एनीबडी हू लॉन्चेस अ प्रोडक्ट्स उतना उसका तो शेयर होना चाहिए, मिलकर तो अच्छा कर सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच.